told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनने जा रही है। लेटेस्ट जनरेशन के लैपटॉप होंगे 10th और 11th। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं SW में मौजूद हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, शॉप के अंदर जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो हैं शॉप के ऑनर मौजूद हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत से ये लैपटॉप्स हैं गाइस, नए जिनको कह सकते हैं ओपन बॉक्स इनको बोला जाता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जवाद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, अल्लाह का शुक्र है आपकी फुर्सत मिल गई हमारे पास आने के लिए। नहीं नहीं सर, आप बुलाएं हम ना आए। बाकी बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, आपने भी हमें टाइम दिया अपना। सबसे पहले आज मेरे ख्याल से आप 10th और 11th जनरेशन के मेरे मोस्टली जनरेशन के होते हैं ज्यादातर, और नए लैपटॉप बिल्कुल गाइस ओपन बॉक्स कैटेगरी में बिल्कुल ब्रांड नई मशीन है ये। जवाद भाई इसमें हम स्टार्ट यहाँ से ले लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है HP NY सीरीज में, ठीक है, 11th जनरेशन वाला मॉडल है। HP NY 13X360 कन्वर्टेबल है ये, टच एंड टाइप के साथ, ठीक है। रेजोल्यूशन क्या है इसकी? रेजोल्यूशन ये 1080p में आते हैं सारे। HP 1080p मोस्टली बनाता है, और आईपीस डिस्प्ले है ये Ryzen 5 4000 सीरीज है। AMD Radeon का इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है। 8GB रैम है इसमें, 512GB SSD है, और इंटेल के i5 11th जनरेशन के इक्विवेलेंट है ये, ठीक है। सर कितने का देंगे ये लैपटॉप? ये जवाब में मिल जाएगा आपको 145 में। जरा साइड में दिखाएं, 145K में गाइस, ये देखें स्लिम एंड स्मार्ट और खूबसूरत सा लैपटॉप। उठाएं तो बिल्कुल हल्का सा है आपके फील आएगी, और बैकग्राउंड में आप देख रहे हो ऐसे ही सारे खूबसूरत लैपटॉप हैं। 145K का आप यहाँ से ही हासिल कर सकते हैं। SW मुझे बताएंगे शॉप एड्रेस जरा बता दीजिएगा। शॉप एड्रेस जवाब में हमारी सेकंड फ्लोर पे शॉप है, SW कंप्यूटर के नाम से 72 नंबर शॉप है, ठीक है। और फीस सेंटर में इसके अलावा भी आपकी कोई शॉप है? इसके अलावा फिर जवाब में हमारी थर्ड फ्लोर पे भी है, IT टावर में भी है, रिपेयरिंग लैब है वहाँ पे ऊपर थर्ड फ्लोर पे भी एक शॉप है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएं सर। नेक्स्ट जवाब भी हमारे पास सेम UC NY सीरीज में ही है, HP NY। ये इंटेल वो राइजन में था, ये इंटेल में है, ठीक है। i7 है 11th जनरेशन में ये, ठीक है। NVIDIA के संग ग्राफिक कार्ड लगा, 2GB लगा हुआ है इसमें, 16GB रैम है, 16GB और 512GB SSD के साथ है। और ये भी टच है कि नहीं? ये टच स्क्रीन में ये टच है, लेकिन ये विदाउट 360 है, 360 रोटेटेबल नहीं है ये, ठीक है। और फुल सिल्वर कलर में, इसमें कीबोर्ड भी सिल्वर है, टोटल मशीन अप एंड डाउन टोटल ही सिल्वर है सारी, ठीक हो गया। HP के न्यू लोगों के साथ है। एक बार स्पेक्स बताएंगे और फिर प्राइस बताएंगे। स्पेक्स जी बात भाई, i7 11th जनरेशन, 16GB रैम और 512GB SSD, ठीक है। और प्राइस? प्राइस जी बात भाई, ये मिल जाएगा आपको 190 में। 190 का आपको गाइस ये लैपटॉप यहाँ से मिल जाएगा। और भी क्वांटिटी में आप लैपटॉप देख सकते हैं, जाइएगा नहीं वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। कोर मैं देख रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत लैपटॉप है, मेरे ख्याल से वुडन लगी हुई है इसके फ्रंट पे जी। इसके बारे में बताइए, टच दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है जी जी। HP का कौन सा मॉडल है? HP NY सीरीज है, HP NY 13 है, कोर i5 है, 11th जनरेशन में ये, 8GB रैम है इसमें, 512GB SSD है, और ये विदाउट टच है। वो जो पहले दिखाए थे वो दोनों टच में थे, ये वाला विदाउट टच में है। साइडों से दिखा दीजिएगा मुझे इसकी कंडीशन। बिल्कुल अल्ट्रा स्लिम है जवाब भाई, ये 11th जनरेशन वाला मॉडल है, और फुल चॉकलेट ब्राउन कलर में है। चॉकलेट ब्राउन कलर जी, और ये जो फ्रंट से जहाँ पे टच पैड है ना इसका जी जी, बताता चलो वो वुडन है जी, ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही। और ये कितने के पीस पड़े हैं आपके पास? ये जवाब भाई इसमें हमारे पास 2 से 3 पीस अवेलेबल हैं, ठीक है। ये वुडन वाला लैपटॉप जो है HP का NY बैंग एंड ओल्फन के, इसके अंदर स्पीकर्स हैं, कितने का दे रहे हैं सर? ये जवाब मिल जाएगा आपको 165 में, 165,000 रुपये का। गाइस 165,000 रुपये का ये खूबसूरत लैपटॉप है। बड़े लोग पूछ रहे थे इसकी प्राइस अब आपको पता लग गई है। शॉप SW है, सेकंड फ्लोर ऑफिस सेंटर से हम आपसे मुखातिब हैं। ये ऑफिस सेंटर लाहौर में है, कराची में नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाएं इसके बाद। नेक्स्ट जवाब भाई हमारे पास है HP Elite Book 830G7, ठीक है। कोर i5 है, 10th जनरेशन है ये, 8GB रैम है इसमें, 256GB SSD है, और रैम और SSD दोनों अपग्रेडेबल है इसमें, ठीक है। कोर i5 है, वी प्रो का इसके अंदर प्रोसेसर रहता है, बैंक टर्बो बूस्ट आते हैं जी, बिल्कुल ये साफ सुथरे लैपटॉप। दोबारा बताता चलूँ, ये मैं भी ये नहीं कह सकता कि डब्बे मतलब बॉक्स पैक तो नहीं है, ओपन बॉक्स है, ओपन बॉक्स है जवाब दे, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है जैसे आते हैं, बिल्कुल नो ओपन नो रिपेयर, 100% ओरिजिनल बैटरी है, चार्जर भी 100% ओरिजिनल। स्पेक्स बताएंगे फिर दोबारा प्राइस बताएंगे। 8GB रैम है जवाब भाई, और 256 SSD है, दोनों अपग्रेडेबल है, रैम भी अपग्रेड कर सकते हैं और SSD भी अपग्रेड कर सकते हैं। कितने का है ये लैपटॉप? ये जवाब भाई आपको मिल जाएगा 120 में, 1,20,000 रुपये का, 1,20,000 रुपये का गाइस आप हासिल कर सकते हैं। फिर भाई एक बात तो बताएं, ये मूंछों का क्या राज है आपकी? इतनी दिन बाद मैं मूंछें को आज़ाद छोड़ना पड़ता है, थोड़ा फ्री बढ़ती हैं, वरना डेली हफ्ते में हर हफ्ते कटवाते रहेंगे फिर नहीं बढ़ेंगी ये। आपने मूछों को आजाद छोड़ा, आजकल तो मूलों के हालात ऐसे हैं, आजादी मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही है, ऐसे ही जवाब। चलें जी नेक्स्ट पे आ जाएं सर। ये जवाब भाई HP Pavilion 14 है, हमारे पास कोर i5 है, 11th जनरेशन है,
ये भी टच एंड टाइप 360 कन्वर्टेबल है, तो इसको पूरा रोटेट करिए, बेशक टैब बना लें जैसे ठीक भी है, आप करना चाहें। हाँ जी, क्या बात है, टैब भी इसको आप जी जी बिल्कुल टैब भी यूज़ कर सकते हैं इस जी जी लैपटॉप बिल्कुल को। ऐसे 8 GB रैम है इसमें, 512 GB SSD है और टच स्क्रीन के साथ। जनरेशन कौन सी है? 11 जनरेशन, कोर आई 11 जनरेशन जी। इसमें i7-11 भी मिल जाएगी, i3-11 जनरेशन भी मिल जाएगी, हमारे पास तीनों वेरियंट अवेलेबल है। ठीक है गाइस, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कमेंट से, 10th 11th मोस्टली भी 10th 11th में ही हम कर रहे हैं मोस्टली, हमारे पास 10-11 जनरेशन। अच्छा, आपके पास होती 10th 11th है? 10-11 मोस्टली, ज़्यादातर 10-11 जनरेशन, क्योंकि हमारा फोन बॉक्स का काम है, ज़्यादातर हमारे पास वही पड़ी है 10 या 11 जनरेशन। बाकी इसके अलावा यूज़ में डेल वगैरह की पड़ी है 4, 5, 6 जनरेशन में, 7, 8 जनरेशन तक भी पड़ी हुई हैं। ये कितने का देंगे सर ये वाला? ये जवाब भाई आपको मिल जाएगा HP Pavilion 14 145 में, 1,45,000। 1,45,000 का। नेक्स्ट पे आ जाएं सर। नेक्स्ट जवाब भाई हमारे पास HP की सबसे खूबसूरत और एलीट क्लास सीरीज है, HP स्पेक्टर। स्पेक्टर जी जी, HP स्पेक्टर 15 है ये, कोर i7 है, 10 जनरेशन है और 16 GB रैम है, 512 GB SSD है और 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है इसमें। ठीक है, ये भी टच एंड टाइप 360 कन्वर्टेबल है। ये जैम कट है ना, इसको जैम कट बोलते हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही जैम कट बने हैं, बेहतरीन और खूबसूरत गोल्डन कलर्स के साइड से बनाया गया और इसी ब्लू कलर में है ये। ठीक है, बिल्कुल ब्रांड न्यू मशीन है ये, समझे अभी मैंने बॉक्स से निकाली है आपको कवर करवाने के। बॉडी बताएंगे ये किसमें आती है? प्लास्टिक फुल मेटल बॉडी में नहीं, HP बहुत कम प्लास्टिक बॉडी बनाता है, बेसिक सीरीज है नोटबुक उसमें प्लास्टिक बॉडी आती है, बाकी जितने भी अच्छी सीरीज है सब मेटल बॉडी में है इसकी। रेजोल्यूशन बताएंगे? रेजोल्यूशन ये जवाब भाई 4K डिस्प्ले के साथ है, ये 4K डिस्प्ले के साथ है, 4i7 है, हेक्सा कोर प्रोसेसर है, 6 कोर इसका, 12 MB कैशे के साथ, i7 10th जनरेशन है, इसे आप बेशक गेमिंग करें, ग्राफिक डिजाइनिंग, रेंडरिंग जो मर्जी करें, हर काम के लिए बेस्ट है ये। स्क्रीन साइज क्या है इसका? 16 साइज इसमें 15.6। और एक और बड़ा क्वेश्चन है लोगों का, पूछने वाले पूछते हैं क्या बैटरी टाइमिंग होगी इस लैपटॉप की? बैटरी टाइमिंग कम अज़ कम जो आज भी 4 घंटे की हमारी गारंटी होगी इसमें, इससे ज़्यादा ही चलते हैं क्योंकि वो हम वारंटी में 4 घंटे आपको देंगे। ठीक हो गया, हमारी वारंटी ठीक हो गया। और एक और क्वेश्चन होता है वारंटी का, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं जी वारंटी कोई ओब्वियसली यूज़ में चीज़ ले रहे हैं तो वारंटी कितनी देर की है? वारंटी जो बात हुई 1 मंथ हम चेक वारंटी देते हैं। 1 मंथ की वारंटी दे रहे हैं आप? मोस्टली लोग तो 14 डेज या 7 डेज की देते हैं, 1 वीक 10 डेज मोस्टली क्राइटेरिया। ठीक, आप एक 1 मंथ की दे रहे हैं, 1 मंथ की खुली डिली वारंटी देते हैं ताकि आप सही से चेक कर। उसमें होता क्या सर भाई 1 मंथ की? उसमें जवाब भाई बर्न डैमेज की कोई वारंटी नहीं, जलने टूटने की, उसके अलावा ऑन डिस्प्ले हर चीज़ की वारंटी है आपको। अच्छा, इसके स्पेक्स और फिर प्राइस की बात करते हैं। स्पेक्स जवाब भाई i7 है, 10 जनरेशन है ये, 16 GB रैम है, 512 GB SSD है और 4 GB डेडिकेटेड GTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है इसमें। ठीक है जी, 4K डिस्प्ले है इसमें और टच एंड टाइप 360 कन्वर्टेबल। बैक से दिखाइएगा मुझे, और ये कितने की मिलेगी आपकी शॉप से SW से? ये जवाब भाई आपको मिल जाएगी 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए की? 3 लाख रुपए हैं। 3 पेटियां कहाँ से लेके आऊंगा मैं? 3 पेटियां जवाब भाई यूट्यूब से कमाए इंशाल्लाह। इतनी जल्दी नहीं पैसे बनते हैं, आपको पता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। डॉलरों में इनकम हो रही है, डॉलर की तो वैसे यूट्यूबर्स की डॉलर्स में आती है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की कमी होती है। दोस्तों भाई मैं क्या बताऊँ आपको, सारी सैलरी तो बतानी नहीं चाहिए, सैलरी और एज है ना, ऐसे ही है ना लोग कहते हैं, तो लड़के बता देते, लड़की नहीं बताती जाते। जी नेक्स्ट से आ जाएंगे आज, 3 लाख तक आपको ये मिल जाएगी। बाद भी प्यार में बहुत हो जाएगी मेरा रेफरेंस। फुल सिल्वर कलर में 15 इंच में टच एंड टाइप 360 है, HP NY सीरीज है ये। ठीक है, NY 15 कोर i7 है, 11 जनरेशन है, 16 GB रैम है इसमें, 512 GB SSD है, टच एंड टाइप 360 कन्वर्टेबल है ये भी, बेशक पूरा टैब बना लें आप। ये सिल्वर कलर में है, ये फुल सिल्वर में है, HP का बड़ा सा लोगो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, और ये साथ है। ठीक है, फुल मेटल बॉडी है इसमें, बैकलाइट कीबोर्ड है, टच एंड टाइप 360 कन्वर्टेबल है ये। ठीक है, ये कितने का दे रहे हैं हम दोस्तों? ये जवाब भाई आपको मिल जाएगा कोई 230 में, 2,30,000 रुपये का। और स्पेक्स क्या थे? 16 GB रैम, 512 GB SSD, 16512। अपग्रेड हो सकते हैं इसमें? अपग्रेडेबल है दोनों चीज़ें। तो सर भाई जो बेचारा कोई स्टूडेंट है, आपको पता है स्टूडेंटों के लिए जवाब भाई खूसी पैकेज निकाले हुए हमने, वो जब आके बताएंगे आपके रेफरेंस आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत। ये कितने का बताया? ये जवाब 230, 2,30,000 रुपये, 2,30,000 रुपये का। स्टूडेंट्स के लिए आप प्यार मोहब्बत करेंगे? जी जी बिल्कुल लाजमी, अगर आपके रेफरेंस आएंगे तो फिर मजीद अच्छी मोहब्बत कर देंगे हम। चलें जी, नेक्स्ट पे आ जाएं गाइस। ये डेल के बाद भाई हमारे पास ये डेल का बस एक मॉडल ही नया छुपा लिया आपने, डेल में HP के अंदर डेल छुपा छुपा बस वो एक ही पीस पड़ा था, वो अभी अच्छी कंडीशन में साफ सुथरा पीस है। बीच में बेसिकली हमारे पास कुछ डेल के भी पीस आते हैं ना इनमें। हाँ, आपके पास होती क्वांटिटी ज्यादा HP के? हमारे पास मोस्टली HP होता है, HP के साथ डेल के भी कुछ मॉडल्स आ जाते हैं इनमें अवेलेबल हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, अभी क्या स्पेक्स हैं इसके अंदर? ये जो बात भाई i5 है, 10th जनरेशन है इसमें। ठीक है, i5 10th जनरेशन, 16 GB रैम है, 512 GB SSD है, इनकी 16512।
और बैकलाइट कीबोर्ड है, फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले के साथ है ये, और साफ सुथरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन मशीन है, बिल्कुल बेजललेस डिस्प्ले। स्क्रीन साइज का आई थिंक मेरा 14 से कम है, 14 इंच स्टैंडर्ड साइज में है। और ये कितने का फाइनल? ये जो बाद में दे देंगे हम आपको 16,212 के साथ 125 में, 125,000 रुपए का। 125,000 रुपए का यहाँ से आवाज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दें, कमेंट कर दें गाइस, चैनल को मत सब्सक्राइब भी कर लें। वो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इसी चैनल पे आपको मिलनी है, RJ 500 सारा कुछ छोड़ के आपके लिए हमारे पास ये ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर है इसका, जैसे रॉयल ब्लू होते हैं। HP पवेलियन 15 है ये राइजन प्रोसेसर के साथ है, 11 जनरेशन वाला मॉडल है। राइजन 7 है इसमें, राइजन 5 भी हमारे पास अवेलेबल है, राइजन 3 भी मिल जाएगा आपको। कीबोर्ड के ऊपर कौन सी जबान लिखी हुई है, चाइनीज है? नहीं, जापानीज है। सॉरी, जापानीज है, ये जापान से इंपोर्ट किया हुआ है। चाइनीज तो और बड़ी मुश्किल होती है। हाँ जी, चाइनीज इससे भी मुश्किल है। ऐसे ही है, उनकी साउंड होती है वो, समझ नहीं सकते ना हम, वो साउंड सारी बेस कर रही होती है। अच्छा, ये कीबोर्ड पे भी वो तो कर लेंगे आप, वो सेटिंग हो जाती है, अंदर से सेटिंग कर देंगे। ठीक है, अंदर से सेटिंग के लिए ही रहेगा, जैसे इनके अंदर सेटिंग हो जाएगी वो एज पर प्रिंटिंग। जी सर, राइजन 7 में आता है, 7 जी, राइजन 7 में 5000 सीरीज है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 8 कोर प्रोसेसर इसका, 16 MB कैशे के साथ। क्या मैच किया आपके यार सूट से, ये कलर बिल्कुल मैच किया है। ठीक है, और ये खूबसूरत सा HP का जो राइजन सीरीज में लैपटॉप है, कितने का देंगे ये? ये जवाब भाई आपको मिल जाएगा 170 में, 1,70,000 रुपए का। 16 GB 512 थी ना, 512 SSD ये मेंशन है ऊपर, बेस स्पेसिफिकेशन है। HP पवेलियन 15 राइजन 7 है ये, 16 GB रैम, 512 GB SSD लगी हुई है इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाएं। और एक उन्होंने आज एप्पल की एक मैकबुक भी रख ली है। जी जवाब भाई, एप्पल मैकबुक ये ओपन बॉक्स हमारे पास आई है, बिल्कुल नई ब्रांड, 2019 है ये, 16 इंच वाली, 16 इंच वाली। ठीक है, 16 GB रैम है इसमें, 512 GB SSD है, और बिल्कुल ब्रांड न्यू मशीन है जवाब भाई ये। टच बार के साथ है, रेटिना डिस्प्ले है इसका, 4 GB ग्राफिक कार्ड भी है इसमें, इस पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करें, रेंडरिंग करें, कोई भी काम आप इस पर करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये कहाँ से लेते हैं आप, इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? इंपोर्ट वाया दुबई ही आते हैं हमारे पास, बाकी पीछे ये पूरी यूरोप से, पूरी दुनिया से सामान इकट्ठा होकर आता है हमारे। ठीक है, वैसे आप सारा इकट्ठा दुबई होता है, दुबई से फिर आप? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। अभी तो सारा वो LC वगैरह सब कुछ ओपन है? LC वगैरह हमारी भी, हम जैसी जिस कंपनी से सामान लेते हैं इंटरनेशनल कंपनी है। ठीक है, तो उसका दुनिया के तकरीबन 24 से 25 मुल्कों में बिजनेस है, तो इंशाल्लाह वो हमें LC की जरूरत नहीं है। हाँ जी, LC की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, LC की हम जैसे LC की जरूरत उनको पड़ती है जो यहाँ से जिन्होंने पैसे बाहर भेजने होते हैं। सही, तो आप उधर से डील कर लेते हैं। इंटरनेशनल कंपनी उनको पैसे यहाँ से नहीं भेजने पड़ते। ठीक है, उधर से सामान आ जाता है, पैसे वो दुबई से डील कर लेते हैं। सही हो गया जी। ठीक है जी, ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया, LC जो बेचारे यहाँ से पैसे भेजते हैं उनको जरूरत दिखानी पड़ती है, वो स्टेटमेंट होते हैं स्टेट बैंक की तरफ से। ये कितने का बताया प्राइस? वो जवाब भाई मिल जाएगा HP एप्पल 290,000 का ये देख सकते हैं आप। इनका तो अपना मतलब बिल्कुल, अगर कंपेयर करेंगे ना विंडोज़ लैपटॉप को मैकबुक से, तो डिफरेंट यूज़र होते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया है। मैक पे विंडो की चीज़ नहीं चलती, विंडोज़ वाली मैक पे नहीं चल सकती, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। बिल्कुल लगा ले जी, आ गया जी विक्टस, बहुत सारे विक्टस आ गया जवाद भाई। ये फेमस विक्टस 16 है, 16 इंच वाली, बड़ी फेमस है, इस पे लोग रेंडरिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन यू रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या इस पे करना चाह रहे। 165 Hz का इसका रिफ्रेश रेट है स्क्रीन का, और NVIDIA का RTX कौन सा कार्ड लगा? 3060 लगा हुआ जवाब में, 6 GB इसमें, i7 है, 11 जनरेशन है। क्या खूबसूरत वी लगा के ना जी जी, ये मेरे ख्याल LED वाला वो लुक दिया हुआ सारा ना, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, ये विक्टस है जी HP का जी। अभी स्पेक्स मुझे बताएं, अभी कार्ड आपने बता दिया था जी जी जवाब भाई, इसमें 8 GB रैम है और 1 TB SSD है, और अपग्रेडेबल है दोनों, SSD की एक स्लॉट खाली है और रैम की एक स्लॉट खाली है इसमें। ठीक है, 6 GB ग्राफिक कार्ड है, i7 11 जनरेशन में, 11 जनरेशन में है ये लैपटॉप, खूबसूरत सा लैपटॉप है। साइड से दिखाते हैं, आपने एंगल वगैरह देखे, बैक साइड से अगर आप देखें तो हीट सिंक के लिए यहाँ से इसकी जो है सारी, अब देखें नीचे से भी है बनाया हुआ, बट इस साइड यहाँ से सक करता है ना, यहाँ से जी जी, और यहाँ से निकाल देते हैं बाहर हवा आती, जो फैन की जो हीट, दो बड़े बड़े फैन लगे हैं जवाब भाई, कितना बड़े इधर लगा हुआ है, कितना बड़े इधर लगा हुआ है। हाँ, गेमिंग के जो लैपटॉप होंगे जिनका हाई लेवल का काम होगा, उनका फैन सिस्टम बहुत अच्छा लगा, डुअल फैन होता है। तो सर, ये कितने का विक्टस, कितने का विक्टस के बाद में मिल जाएगा आपको ये i7 11 जनरेशन 280 में, 2,80,000 रुपये का, 2,80,000 का यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। आप देखें, लाखों की बातें होनी है, क्योंकि लैपटॉप ऐसे हैं, लेटेस्ट हैं, तो ऑब्वियसली प्राइस भी आपको थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसके अलावा जवाब भाई, हमारे पास HP Omen की Omen सीरीज, Omen Omen 15 है, कोर i7 है, 10 जनरेशन में ये। ठीक है, इसमें RGB नहीं, RGB तो नहीं है, RGB इसमें नहीं, इसमें रेड लाइट है। ठीक है, रेड अपनी इसकी रेड लाइट, RGB वाला ही पड़ा हुआ हमारे पास, वो i7 11 जनरेशन में पड़ा हुआ है। ठीक हो गया जी, ये 15.6 है समथिंग, 15.6 वाली है ये। ठीक है जी, कोरे 7 है, 11 जनरेशन है कि 10 है? ये 10 है, वो जो i7 11 पड़ा वो RGB कीबोर्ड है इसमें, वो 16 इंच वाली है। ठीक है, अच्छा ये अपना RTX का कौन सा कार्ड है? RTX 2070 सुपर लगा हुआ है इसमें, 8 GB का,
8 GB का कार्ड है जी जी ऐसा 8 GB का कार्ड है, आपको पता होगा 8 GB पावरफुल एक कार्ड कंसिडर किया जाता है। RTX सीरीज जो भी होगी वो पावरफुल होगी, RTX में GTX नॉर्मल होती है, फिर RTX उसके नेक्स्ट सीरीज कहलाती है ये। जी सर, HP Omen में अभी स्पेक्स क्या हैं इसके? जवाब भाई, इसमें 8 GB रैम है, 512 GB SSD है और अपग्रेडेबल है दोनों, रैम भी अपग्रेड कर सकते हैं, SSD भी अपग्रेड कर सकते हैं इसमें। कितने का देंगे सर ये? ये जवाब भाई मिल जाएगा आपको 275, 2,75,000 रुपये। अच्छा मुझे बताएं, कोई एक माह के बाद आता है, लेट्स सपोज लोग देखते हैं वीडियोस ना काफ़ी देर बाद भी देखते हैं, एक माह तक जवाब भाई अगर अवेलेबल हुआ तो इसी प्राइस में मिल जाएगा, यही पीस अवेलेबल हुए थे। ठीक है, जो नया सामान आ गया था इसमें फिर जो डॉलर की प्राइस के अकॉर्डिंग आएगा उसको बता, जो आपने परचेजिंग की फ्लक्चुएट करती रहती है। बेहतरीन है जी, नेक्स्ट पे आ जाए। एक और गाइस लैपटॉप हमारे पास है HP Pavilion 16, 4i5 है, 10th जनरेशन है ये, 16 GB रैम है इसमें, 512 GB SSD है और 4 GB ग्राफिक कार्ड है, GTX 1650 1650 4 GB का लगा हुआ है। ठीक हो गया, ठीक है। अभी स्पेक्स क्या है फिर कार्ड के अलावा? 16 GB रैम, 512 GB SSD, 16 GB 512 SSD, i5 10th जनरेशन और 4 GB ग्राफिक कार्ड। इनके अंदर अपग्रेड करवा सकते हैं हम? अपग्रेडेबल हर चीज़ और हार्ड की ऑप्शन भी है इसमें, हार्ड भी लगा सकते हैं आप अंदर। मोस्टली जो भी हाई एंड लैपटॉप्स होते हैं इनके अंदर अपग्रेड इजीली करवा सकते हैं, हर चीज़ में ऑप्शन होती है। गाइस ये HP Pavilion कोर i5 है और जनरेशन मेरे ख्याल से 10th जनरेशन है और कट्स वगैरह लगे हैं, बैक साइड देख सकते हैं, खूबसूरत लैपटॉप है, कंडीशन ओके है, 10x10 है। बाकी भी लैपटॉप आपने कंडीशन देख ली होगी, मोस्टली 10x10 ही थी बाकी लैपटॉप्स की। फाइनल बैक उस लैपटॉप की तरफ आते हैं और प्राइस पूछते हैं, सर इसकी प्राइस कितनी है? प्राइस के बाद भाई ये मिल जाएगा आपको 175, 1,75,000 रुपये का, 1,75,000 रुपये का ये वाला लैपटॉप हासिल कर सकते हैं आप SW से। हो गया फाइनल, को रह गया लैपटॉप बस जवाब भाई। इसके अलावा ये HP Omen पड़ी हुई, ये भी i7 10th जनरेशन है। ठीक है जी, हाँ जी, i7 10th जनरेशन, पहले वो दिखाई थी वो नई लेटेस्ट वाली शेप है, ये उससे Omen X शेप है ये वाली, जो लास्ट पे ये X बना हुआ है इसका। ठीक है, ये बैकग्राउंड पे जो X बना, इसका ये फुल मेटल बॉडी में है, वो कार्बन बॉडी में, और i7 है, 10th जनरेशन है, 10th जनरेशन है, 16 GB रैम, 512 GB SSD है और 8 GB ग्राफिक कार्ड इसमें भी वही लगा हुआ, RTX 2070 सुपर, 300Hz डिस्प्ले इसका और ये RGB कीबोर्ड है इसमें। ठीक हो गया, हाँ जी सर, कितने का देंगे फाइनल प्राइस? ये जवाब भी प्राइस सेम है इसकी भी और इसकी, 275, 2,75,000 रुपये, 2,75,000 रुपये में, ये भी सेम, वो भी सेम, उसके भी यही थी, वो जो दिखाया था ये वाला, हाँ। ये साथ इसके पड़ा हुआ i7 10th जनरेशन, इसकी कितनी बताई थी? इसकी और इसकी सेम प्राइस है, 275, 2 लाख। ठीक है जी, 275K का जी, यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। बाकी बैकग्राउंड में देख सकते हैं मल्टीपल इनके पास लैपटॉप है, क्वान्टिटी में है, आप नहीं अगर ज़्यादा लैपटॉप लेने हैं, होलसेल का रेट लेना तो ले सकते हैं, मिल सकता है कोई अच्छा रेट होल सेल? ठीक है जी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे, लोकेशन बताएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर जवाब भाई 0345444-8892। ठीक हो गया, और एड्रेस बता दीजिएगा। एड्रेस SW कंप्यूटर, 72B सेकंड फ्लोर, रफी सेंटर, लाहौर। थैंक यू सो मच सर, अगेन आपके कीमती टाइम का, दोबारा फिर मिलते हैं नेक्स्ट किस व्लॉग में, खुश रहिएगा। इस वक्त आपका दोस्त, आपका होस्ट RJA500 SW कंप्यूटर से पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लाजे रफी सेंटर लाहौर से जाना चाहता है। अल्लाह हाफिज। Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away.